Hello friends, good evening. Welcome to my YouTube channel. I am Raj. Friends, आज से हम start करेंगे एक सीलिंग फैन की सीरीज. पहले हमने बहुत सी कूलर्स की मोटर, टेबल फैंस की मोटर वाइंड की थी, लेकिन आज से हम start करेंगे सीलिंग फैन की सीरीज. सीलिंग फैन में स्टेटर में बहुत से मॉडल्स आते हैं. जैसे दीदी देखिए जी, एक लोकल मेड सीलिंग फैन है. जब ये एक लोकल मेड सीलिंग फैन है, थोड़ा सा बढ़िया है. कुछ उषा के आते हैं, लेकिन आज हम रिवाइंड करेंगे ओरिएंट का फ़ैन. ये देखिए एक स्टेटर है ओरिएंट फ़ैन का. ओरिएंट और उषा में जहाँ पर मोस्टली कट नहीं होते, अभी क्रॉम्पटन के कुछ मॉडल आ रहे हैं उसमें जहाँ पर कट होता है, लेकिन ये देखिए आप अच्छी तरह से, इसमें कोई कट नहीं है. ये लोकल पंखा है, इसमें ये देखिए ये वाला कट दिया हुआ है. लेकिन जितने भी ब्रांडेड फ़ैन होते हैं उनमें जहाँ पर कट बहुत ही कम होता है, क्रॉम्पटन वगैरह में होता है. फ्रेंड, ये ओरिएंट के फ़ैन की खासियत ये होती है, आप ये देखिए इसमें ये कॉयल जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे जे 16 कॉयल होते हैं. आपने देखा होगा कभी भी न्यूज़पेपर वगैरह की ऐड आती है, उसमें लिखा होता है 16 आने सच. इनके जो मोस्टली फ़ैन हैं वो 16 स्लॉट से ही स्टार्ट होते हैं. और जैसा जी आप देख रहे हैं, ये एक लोकल फ़ैन है. ये देखिए ये बिल्कुल काला हो चुका है, लेकिन ये ओरिएंट का फ़ैन है, ये अभी काला नहीं हुआ. इसकी वाइंडिंग रीजनल है, लेकिन ये हीट हो गया. जो नॉर्मल फ़ैन होते हैं ये लोकल वाले, इनमें ये देखिए 14 कॉयल होंगे, 1, 2 ऐसे 14 होंगे, 14, 14, 28. लेकिन इनमें होंगे 16, 16 और 16, 32 होंगे टोटल. जैसे गिन के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 है टोटल. और इनमें देखिए जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो निशानी रखनी है स्लीप वाले से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 स्लॉट है. ये हाई स्पीड फैन है, बजाज वगैरह में ऐसे स्टार्ट होते थे. ये एक और लोकल फ़ैन है, इसको चेक करते हैं जहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी 12 स्लॉट ही है. एक और लोकल फ़ैन है, इसको चेक करते हैं एक बार जहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये देखिए 14 फैन है, 14 स्लॉट है. ओरिएंट में 16 स्लॉट, लोकल में 14 स्लॉट, और ये हाई स्पीड फ़ैन है, बजाज वगैरह में ऐसे होते हैं, ये 12 स्लॉट. आजकल तो क्रॉम्पटन में भी हाई स्पीड आ गया, सब कंपनीज हाई स्पीड बनाती हैं, लूमिनस भी बनाती है, पॉलीकैब भी बनाती है. सो फ्रेंड्स, इसके 16 और 16, 32 स्लॉट हैं. इसमें आप 3 वायर भी निकाल सकते हैं, 4 वायर भी निकाल सकते हैं. जैसा कि हमने देखा है, मोस्टली हमारी जो नॉर्मल मोटर होती है उनमें नीचे रनिंग डलती है, ऊपर स्टार्टिंग डलती है, लेकिन सीलिंग फैन में उल्टा होता है. इसके ये जो कॉयल आप देख रहे हैं नीचे वाले, ये स्टार्टिंग कॉयल होते हैं. ये ऊपर वाले जो चल रहे हैं, ये रनिंग कॉयल होते हैं. जैसे हमने 4 तारे निकालेंगे, अंदर 2 ब्लैक, बाहर 2 रेड. इस कॉयल पर हमने लोड डालना होता बाहर वाले में, जहाँ ब्लैक लगाएंगे जहाँ रेड लगाएंगे. इससे उल्टा जो नॉर्मल मोटर होती है उनमें इनमें उल्टा होता है. वहाँ नीचे जो मोस्टली रनिंग डलती है, ऊपर स्टार्टिंग डलती है, वहाँ नीचे वाले पे लोड डाला जाता है. लेकिन सीलिंग फैन में इसके विपरीत बाहर वाले कॉइल में लोड डाला जाता है. ये देखिए, ये इसका रनिंग पार्ट है और ये वाला इसका स्टार्टिंग पार्ट है. सो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन बेसिक. अभी करेंगे इसको वाइंड करना स्टार्ट. सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद इसको साफ़ करेंगे, फिर पेपर डालेंगे, पेपर डालने के बाद कॉइल डालेंगे. मशीन पे कैसे सेट करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा. इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए लास्ट तक. वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपने हमारे साथ बने रहना है. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको जो वीडियो कैसा लगा. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले करते हैं इसकी कटिंग, फिर करते हैं नेक्स्ट काम स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हैं इसके स्लॉट्स, और ये हम डालेंगे इसमें पेपर. आप ये 7 नंबर का वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं. ये मेरे पास ऑलरेडी ये देखिए फोल्ड किया हुआ, आजकल मार्केट में ये मिल जाता है आराम से इजीली. ये इस तरह से इसके स्लॉट्स में आना चाहिए.
सो इस तरह से आप पेपर डालते जाइए। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। कोर की मेजरमेंट भी बताऊंगा कितनी है स्लॉट, जैसे कि आपको बता दिया कि 16 स्लॉट है इसमें। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर सही लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए। ये एक ओरिएंट का फैन है, सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पेपर डल चुके हैं, हमारा काम जो है आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अभी लगाएंगे इसको मशीन पर। ये देखिए ये हमारा सेंटर टू सेंटर बनेगा। ये होते हैं मशीन के फर्मे, ये देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, इनको फर्मा भी बोलते हैं डाई भी बोलते हैं। ये नीचे वाली है ये ऊपर वाला है, हम पहले ये नीचे वाला लगाएंगे। डाई आपकी जहाँ पर लगेगी ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जहाँ पर डाई लगी हुई है ये स्क्रू होते हैं, जहाँ पर डाई लगेगी और ये बीच में जहाँ पर कट होता है, ये देखिए को नज़र आ रहा होगा शायद, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये होता है कट, ये जहाँ पर लगेगा स्टेटर के इस कट में आएगा। अभी मैं डाई चेंज करता हूँ, ये ऊपर वाली डाई लगी हुई ऊपर वाले कॉइल की, मैं ये नीचे वाली बड़ी डाई लगाऊंगा। हम ये स्क्रू खोलेंगे पहले, आपको इसके हिसाब से जितनी भी जरूरत है थोड़ी सी वाशर डाल लेनी है आपने, बिकॉज इसकी स्टैंपिंग ज़्यादा है। मेरे पास एक मल्टी डाई भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको उसको कैसे सेट करना है। उसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल नई मशीन्स जितनी भी आ रही हैं उन सब में वही लगती है। ये देखिए हमारी डाई लग चुकी है, अभी हम ये कट है ये देखिए स्टेटर में जहाँ से लीड बार निकलती है जहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है। सो हमारा जो स्टेटर है सेट हो चुका है। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा मशीन के बारे में। ये जहाँ आगे वाला हिस्सा, ये इसकी बैक होती है सेंटर टू सेंटर, ये पकड़ लेती है जैसे लूज हो स्टेटर जहाँ से टाइट हो जाता है। ये डाई है फर्मा, ये जहाँ से बना होता है जहाँ गैप इसका पूरा किया जाता है स्टेटर की स्टैंपिंग के हिसाब से, कम ज़्यादा उतनी वाशल्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मशीन में सेंसर लगा हुआ है, बाद में मैं पूरी किसी दिन इस पर वीडियो बना दूंगा। ये पीछे से तार आ रही है, वहाँ नीचे इसकी रील रखी जाएगी। सो ये हमारे हैं स्विच, ये ऑन ऑफ है, ये ऑन हो गया, ये देखिए जहाँ पर टर्न की काउंटिंग होती है जैसे हमारी मशीन चलेगी, ये देखिए ऐसे काउंटिंग, जैसे हम इसको घुमाएंगे ऐसे इसकी काउंटिंग हो जाएगी जहाँ से हमारी टर्न सेट होंगी। ये इसका एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घुमाने वाला स्विच होता है, ये इसको जीरो करेगा, ये हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड है।
किसी दिन पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं इस मशीन पे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा। सो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट पंखे को बनाना और बताते हैं आपको कितनी इसमें टर्न डालनी है, कौन से नंबर से आप इसको वाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स वेट कीजिए थोड़ी सी, अभी बनाएंगे ये स्टेटर। सो गाइस, हमारी डाई सेट है, अभी करते हैं स्टार्ट कॉइल बनाना। इस तरह से आपने इसको चेंज करते जाना है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेगा जी। अंगूठे नॉयल पास लाई है। इसी तरह से इसके सारे क्वाल डलते जाएंगे। आधे से ज़्यादा हमारा स्टेटर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी टर्न काउंटिंग हो रही है। जो स्टार्टिंग के कॉइल डाल रहे हैं, स्टार्टिंग में आप डालिए 36 नंबर, से स्टार्टिंग वाइंडिंग को वाइंड कीजिए। ऐसे अगर आपका स्टेटर लूज हो थोड़ा टाइट कर सकते हैं। छत्तीस नंबर यूज़ कीजिए स्टार्टिंग में और टर्न डालिए इसमें 330 हर एक वाल में 330। इस तरह से ये बनता जाएगा। एक बार इसने सीधा चलना है, एक बार उल्टा चलेगा। ये देखिए कैसे क्वाइल डलते जा रहे हैं। सो गाइस, हमारा लास्ट क्वाइल डल रहा है, इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा बिल्कुल, फिर हमारा स्टार्टिंग का काम चलेगा। अभी ये देखिए लास्ट क्वाइल भी डल चुका है, ये बिल्कुल स्टेटर स्टार्टिंग में कंप्लीट हो चुका है। अभी डालेंगे इसमें यू,
और आपको बताएंगे कि इसके जू है कैसे डलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी डालते हैं इसके जू। सो गाइस अभी डालेंगे हम इसमें यू यू डालेंगे हम ये पेपर, 7 नंबर का पेपर बने बनाए, ये देखिए यू आ रहे हैं, हम आज इसको डालेंगे। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कैसे डालेंगे। ये हैं इसके स्लॉट और आपने इनको दोनों को इस तरह से साइड में करते जाना है और ऐसे आपने यू यहाँ पर लगाते जाना है। बेहद आसान होते हैं यू लगाने, ख्याल एक ही रखना पड़ता है कि कहीं से भी तार नहीं टूटनी चाहिए और कोई भी तार ये पेपर के बाहर नहीं रहनी चाहिए, सारी तारें पेपर के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर एक भी तार आपकी बाहर रहेगी तो आपका ये मोटर जो है शॉर्ट हो जाएगी। अगर एक भी तार आपसे टूट गई यू डालते समय तो आपकी मोटर जो है वाइंडिंग डेड हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रिकी का काम होता है लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब तो ये आपको पानी की तरह ये चलेंगे। ऐसे ही आप सभी जू लगाते जाइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 16 स्लॉट होते हैं ओरिएंट में, 16 ही पेपर डालेंगे, 16 ही जू लगेंगे। स्टार्टिंग में डालिए आप 36 नंबर और टर्न डालिए आप इसमें 330। ऐसे आप देखते हैं टर्न कोई भी बाहर नहीं रहनी चाहिए तार। ये देखिए हमारे अप्रॉक्सीमेट सिर्फ 3 जू रह गए बाकी। सो फ्रेंड ये देखिए हमारे अप्रॉक्सीमेट सभी यू डल चुके हैं। सीलिंग फैन में क्वाइल डालने के बाद एक काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर वो काम आपने नहीं किया तो 100% श्योर है कि आपका स्टेटर नहीं चलेगा। वो काम क्या होता है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके स्टार्टिंग क्वाइल डालने के बाद। सो कीजिए वेट और देखिए हमारा स्टार्टिंग का पार्ट। स्टार्टिंग में पहले पेपर डालेंगे फिर डालेंगे इसके क्वाइल। तो चलिए फ्रेंड करते हैं स्टार्ट इसको, स्टार्टिंग का पार्ट। सो गाइस आपने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, अगर आपने 3 तार निकालनी है, ये देखिए ये एक इसका लास्ट वाला कॉइल हमने डाला, ये स्टार्ट वाला डाला, आपने जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने 3 तार निकालनी है फिर जहाँ से पहला और लास्ट कॉइल का जो सेंटर होता है इसमें आपने कॉइल डालना है, ये 2 स्लॉट में आप अच्छी तरह देख सकते हैं, इन दोनों स्लॉट्स में आपने पेपर पहला क्वाइल आपने डालना होता है जहां सेपरेशन डलेगा। सो अभी पेपर डल रहे हैं,
देखिए हमारा स्टार्टिंग का पार्ट चल रहा है। ये हमारा रनिंग का पार्ट चल रहा है, सॉरी स्टार्टिंग का नहीं। रनिंग में हम सेम ही तार नंबर यूज़ करेंगे 36, 36 नंबर यूज़ कीजिए रनिंग में भी। और रनिंग में टर्न डालिए आप 350, 36 नंबर से। आप इसको 35 नंबर से भी रिवाइंड कर सकते हैं, उसका अलग से डाटा है, उसका किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक 36 नंबर से रिलेटेड है, इसलिए आज 36 नंबर की टर्न ही बताई जाएंगी। ये देखिए इस तरह से ये काउंटिंग होती रहेगी मशीन पे। गाइस साथ में आप टाइम देखिए, हमें कितने टाइम में ये स्टेटर वाइंड कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेट 70% हमारा जो फैन है कंप्लीट हो चुका है स्टेटर। ये सीलिंग फैन का स्टेटर है ओरिएंट का, और अभी हमें मिनट लगे हैं 11। 11 मिनट में हमने इसका 70% काम कर लिया है। डेटा एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टार्टिंग में डालिए 36 नंबर और टर्न डालिए 330, रनिंग में भी डालिए सेम 36 नंबर और टर्न डालिए रनिंग में 350। रनिंग और स्टार्टिंग का फर्मे अलग अलग होते हैं। ये देखिए ये रनिंग के फर्मे होते हैं थोड़े से बड़े लंबाई में, और ये होते हैं स्टार्टिंग के फर्मे थोड़े से, ये इतना डिफरेंस होता है इनमें। ये देखिए इस तरह के होते हैं। ये हमारे अप्रॉक्सीमेट 3-4 कॉल रह गए हैं, उसके बाद हो जाएगा फाइनल। फिर हम डालेंगे ऊपर वाले यू, और साथ ही में आपको कनेक्शन करके इसके पूरा बताएंगे। सेकेंड लास्ट कॉइल डल रहा है। डेटा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रनिंग का 36 नंबर डालिए, टर्न डालिए 350। ये देखिए इस तरह से ये कॉइल डलता है टाइम। सो गाइस ये देखिए हमारा स्टेटर कंप्लीट हो चुका है। नीचे वाला एक क्वाइल डाल के यू डाल के ऊपर वाले भी क्वाइल हमने डाल दिए अप्रॉक्सीमेट 13 मिनट 50 सेकंड में। अभी डालते हैं, आपने देखा मात्र हमें टाइम कितना लगा, 13 मिनट 50 सेकंड, और अभी डालते हैं यू। सो गाइस एक बार फिर से आ चुके हैं अपने वर्किंग काउंटर पर। जैसा कि मैंने बोला था कि यू डालने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी काम करना होता है जिसके बिना आपकी मोटर नहीं चलेगी, वो ये है। अभी यू डाल के आपको बताऊंगा प्रॉपर। सबसे पहले यू को क्लियर कर लें, अब हम इसके यू डालेंगे। आप जैसे पहले मैंने बताया था कि ये पेपर जो है दोनों साइड के, इसके अंदर अंदर यू डालने चाहिए। तारें भी इनके अंदर अंदर रहनी चाहिए, कोई भी तार बाहर नहीं होनी चाहिए। यू बिल्कुल आपको ध्यान से डालने हैं, थोड़ा कॉइल को इधर कीजिए, थोड़ा इधर कीजिए, बीच में ये यू रख दीजिए। ऐसे ही यू को आपने डालना है दोस्तों। साथ ही में देखना कोई तार बाहर ना रह जाए।
बिकॉज अगर आपकी कोई तार बाहर रहेगी तो आपकी मोटर शॉर्ट हो जाएगी, और अगर यू डालते समय कोई भी तार टूट गई तब आपकी वाइंडिंग जो है डेड हो जाएगी, फिर वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि वो डेड वायर को कैसे ढूंढना है, उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे बाद में, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करना इजी नहीं होता। ऐसे आप यू डालते रहिए, सारे यू अपने ऐसे ही दोस्तों लगाने हैं। इसका प्रॉपर डाटा अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर वेबसाइट पर जाइए, विजिट कीजिए। और अभी दोस्तों बारी है उस काम की जो मैंने आपको बोला था बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए करना, नहीं तो आपका स्केटर नहीं चलेगा। वो काम होता है इसका, अगर आपको गैस लग गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दीजिए कि कौन सा काम ज़रूरी होता है जिसके बिना ये सीलिंग फैन का पंखा पूरी वाइंडिंग किया हुआ तब भी नहीं चलता। वो काम होता है दोस्तों ये सेपरेशन डालना, ये दोनों कॉइल के बीच में। अगर आप पूरा स्टेटर वाइंड कर देते हो, ये सेपरेशन नहीं डालते, तब आपका पंखा बिल्कुल नहीं चलेगा। सो ये फर्स्ट और लास्ट कॉइल के बीच में डालना होता है, ताकि इनका जो किस लिए डालना होता है प्रॉपर, मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, फिर आपको प्रॉपर इसकी समझ लग जाएगी। दोस्तों अभी बारी है इसके कनेक्शन करने की, साथ में आपको बताऊंगा कि आपको इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। ये देखिए इसकी चार तार बाहर आ गई, सो गाइस अभी ठीक है। ये देखिए इसकी चार तार बाहर आ गई, ये दोनों अंदर वाले तार कॉइल की, ये दोनों बाहर वाले की, ये दोनों रनिंग है, ये दोनों स्टार्टिंग है। अगर आपने चार तार बाहर निकालनी है, फिर दोनों तारों को इसको काली लगाइए, इनको रेड लगाइए। अगर आपने कंपनी की तरह काम करना है जैसे कंपनीज करती हैं, फिर आप चाहे इन दोनों को लगा दीजिए तब भी हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों में लगाने में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर इजी वे है, मैं जैसे लगाऊंगा इन दोनों को लगा दूंगा। इस तरह से आगे आप देखिए कैसे करना है। फिर आपने ये स्लीवें चढ़ानी है,
से अभी ये बन गई हमारी तीन तार। तो दोस्तों इस तरह से आप स्लीवें चढ़ा दीजिए। अभी आप चाहें तो इसको छील सकते हैं जैसा कि कैंची से ऐसे, आप चाहें इसको जला सकते हैं, आप चाहें तो इसको रेगमार से ऐसे छील सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको कैसे ये आसान लगता है, जैसे आपको आसान लगता है वैसे कीजिए। मैं तो रेगमार से साफ कर दूंगा, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसको स्क्रैच नहीं डालने चाहिए। ये देखिए हमारी तीन वायर बन गई। अभी हम एक कॉमन लगाएंगे और दो हमारी स्टार्टिंग लगेंगे। ये मेरे पास तीन तार है, ये है हमारी स्टार्टिंग की और रनिंग की। ये है हमारी कॉमन वायर सेंटर वाली जो हमने दी, इसको हमने कॉमन बना दिया। ये है हमारी स्टार्टिंग की। तो दोस्तों इन दोनों वायर को आपने कैपेसिटर की वायर लगी जानी, बाहर आपकी ये कॉमन बन जानी है। ऐटोमेटिक ही इसी से चक्कर सीधे हो गए, इससे लगाएंगे तो चक्कर इसके उल्टे घूमेंगे। सो अभी आप चाहो तो सोल्डर कर सकते हो इसको साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए। मैं अभी इसको सोल्डर करूँगा ताकि इसको बिल्कुल प्रॉपर कर दूं। सो अभी तीन वायर हमारी लग गई, एक्स्ट्रा वायर जितनी भी काट दीजिए। सो गाइस अभी इस पर ये स्लीव चढ़ा दीजिए ऐसी वाली। ऐसे ये हमारी तीनों वायर लग गई। ऐसे आप बाहर निकाल लीजिए इसको। सो गाइस
ये देखिए हमारा स्टेटर हो चुका है कंप्लीट, पूरे कनेक्शन करके मैंने आपको बता दिए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके डाटे की बेहतर जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वेबसाइट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, motorcoilwindingdata.com, वो मैंने आप ही के लिए वेबसाइट बनाई है, वहाँ पर आपको फ्री में डाटा सारे मिलेंगे। जाइए वहाँ पर विजिट कीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसको कीजिए लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड